फमा जजाउ मन यफअलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला खिज़्युन फिल हयातिद दुनिया, तुम्हें से जो कोई भी ये हरकत करेगा कि दीन के एक हिस्से पर अमल एक पर नहीं, उसकी सजा इसके सिवा कुछ नहीं है कि दुनिया की जिंदगी में जलील और खार कर दिए जाए। ये तो नकद है जो दुनिया में मिलता है, और आखिरत में जो सजा मिलेगी वह यौमुल क़ियामत युरद्दून इला अशद्दिल अज़ाब, और क़ियामत के दिन शदीद तरीन अज़ाब में झोंक दिए जाओ। अब आप देखिए, पहला अज़ाब तो हमारी निगाहों के सामने है, हमारे माथे पर लिखा हुआ है। आज हम बाद लोगों के नजदीक 150 करोड़ इंसान है मुसलमान, हर चौथा इंसान मुसलमान है, कम से कम 125 करोड़ तो है ही है, गोया कि हर पांचवा इंसान मुसलमान है। कितना बड़ा इलाका हमारे कदमों तले है। जाइए उधर इंडोनेशिया के दूर दराज दराजों से चलिए, जो जजीरे हैं उनसे, और चले जाइए मौरितानिया तक, सॉलिड इलाका है मुसलमानों का। बीच में आप सोचेंगे हिंदुस्तान भी तो आ गया, वो मुसलमानों का नहीं, 20 करोड़ मुसलमान है हिंदुस्तान के अंदर। आज भी दुनिया में सबसे बड़ी आबादी किसी मुल्क में जो है वो हिंदुस्तान में है मुसलमानों। अल्लाह ताला ने हर तरह की नेमत दी, हर तरह की मादनियात हमारे पास, हर तरह की नबातात। सबसे बढ़कर आज की दुनिया की कीमती तरीन है तेल, तेल का सबसे बड़ा जखीरा या जखीरे मुसलमानों के कदमों तले। इस सब के बावजूद क्या मुसलमानों की इज्जत है कोई दुनिया में, कोई हैसियत है? बैनुल अक़वामी मसाइल में कोई आपसे मशवरा करता है? कश्मीरी पुरसद के भैया की स्थिति तुम हो कौन, तुम्हें कौन पूछेगा? हम तो G7 बैठेंगे, G8 आ जाएंगे, G13 आ जाएंगे, G15 हो गए, और कोई मुसलमान मुल्क न G7 में, न G15 में, न 3 में, न 13 में, कहीं नहीं। ये जिल्लत क्यों आ गई? फरमाया खिज़्युन फिल हयाति दुनिया, दुनिया की जिंदगी में रुसवाई, बेइज्जती। एक तो सजा ये है जो आज हम पर है। आज देखिए दुनिया में जहां खून बहता है मुसलमान का, 50 साल से ज्यादा हो गए हैं कि फिलिस्तीन में मुसलमानों का खून बह रहा है। कितने साल हो चुके हैं, 30 साल के करीब होने को आए कि कश्मीर में खून बह रहा है। रोजाना आपके अखबार में लिखा होता है आज 8 और शहीद हो गए, आज 15 और शहीद हो गए, आज 10 और शहीद हो गए। ये टीवी पर भी आप देखते हैं, मनाज़िर भी देखते हैं। अब फिर खून अगर गिरा है बोस्निया में तो मुसलमान का, कोसोवो में तो मुसलमान का, चेचनिया में तो मुसलमान का, सोमालिया में गिरा तो मुसलमान का, फिलिपाइंस में गिर रहा है तो मुसलमानों का, अब थाईलैंड में भी शुरू हो गया तो मुसलमानों का। जहां देखो वो जो कभी कहा था किसी ने, हो गया मानिंदे आ बर्जा मुसलमान का लहू, पानी की तरह ये सस्ता हो गया मुसलमान का लहू, सारी दुनिया में मुसलमानों का खून बह रहा है। और कम हिम्मती का आलम यह है, बुजदिली का आलम यह है कि हम ये कहकर खड़े होकर कह नहीं सकते कि इनफ इज इनफ, तुमने जो कुछ हमारे साथ किया है अब हमारे मैदान में हम मुकाबला करेंगे। इस तरह बकरियों की तरह, भेड़ों की तरह मारे नहीं खाएंगे। है किसी मुल्क में ये ताकत है ये कह दे? हाँ बेचारे कुछ जाने वो अपनी जान देकर अपना सुसाइड बॉम्बिंग से अपने आप को उड़ा के 8-10 को और उड़ा लेते, बस और क्या। लेकिन वहां तो बम्बार्डमेंट होती थी। इसराइल में जो कुछ हुआ है, फिलिस्तीन में बुलडोजर आ रहे हैं मोहल्ले के मोहल्ले, सब घर जो है वो बिस्मार। एक अमरीका की औरत आई हुई थी सहाफिया, वो कहीं बैठ गई बुलडोजर के सामने कि नहीं गिराने दूंगी मैं ये मकान, और उनको उसको भी कुचल के रख दिया। ये हाल दुनिया में तो जो एक बेइज्जती वाला अज़ाब है। फमा जज़ाउ मन यफअलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला खिज़्युन फिल हयातिद दुनिया, दुनिया की जिंदगी में रुसवाई, बेइज्जती। अब यौमुल क़ियामा जो है मुस्तहिक तो हम इसी के हो चुके हैं कि शदीद तरीन अज़ाब में झोंक दिए जाए। यौमुल क़ियामत युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब, लेकिन अल्लाह की रहमत उससे उम्मीद है, बख्श दे। अल्लाह की रहमत जो है हमें अपने साए में ले ले तो बात दूसरी है, वरना मुस्तहिक तो हम इसके हो चुके हैं। क्यों?
तुम मुसलमान कहलाते हो? और जरा सुनिए, तुमने पाकिस्तान बनाया इस्लाम के नाम पर, कहां है वो इस्लाम? मेरा हुक्म है कि चोर का हाथ काटो तुम काटते हो, मेरा हुक्म है कि जानी और जानिया अगर गैर शादी शुदा 100 कोड़े बरसरे आम मारो, चाहे वो औरत हो, बरसरे आम कोड़े लगाए जाए, तुम करते हो? मैंने कहा अगर सूद नहीं छोड़ोगे तो ऐलान जंग है मेरी तरफ से, फाज़लू बहर में मिल अल्लाह व रसूल, अल्लाह उसके रसूल की तरफ से ऐलान जंग है, अल्टीमेटम है, तुम छोड़ते हो सूद को? तुम्हारी तो सारी मईशत जो है उसका ताना बाना सूद और जुए पर है। जुए का हक तो ये हो गया, बिस्कुट बेचना हो तो उसके लिए भी लॉटरी चल रही है, बिस्कुट के डिब्बे में फला चीज निकल आएगी तो कोरा अंदाजी होगी, आपको एक कार भी मिल सकती है बिस्कुट के एक डिब्बे के जरिए, लोग लगे हुए। ये घी का डिब्बा अगर लोगे हमारा तो उसमें से कोई सोने का टुकड़ा भी निकल के आ सकता है। सूद और जुआ ये हमारे ताना बाना है हमारी पूरी मईशत। ये जब होगा तो आखिरत का अजाब तो हम मुस्तहिक तो हो चुके हैं, बाकी अल्लाह ताला बख्श दे ये बात नहीं।